हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कार लाइटिंग। ठीक है, तो आज मैं आपको कार लाइटिंग करवाने वाला हूँ। और कार लाइटिंग के लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले हमें चलना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट लाइटिंग के लिए। प्रोडक्ट लाइटिंग, ठीक है, प्रोडक्ट लाइटिंग के लिए क्या काम करना होता है, लाइक हमें एक लाइट बॉक्स टाइप से ऐसा कुछ बनाना होगा। लाइक सपोज मुझे एक बाइक ऐसा कुछ करना, तो मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ यहाँ पे, बेसिक शेप्स को मैनेज करने के लिए। इस टाइप से मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ, कुछ रेफरेंसेज को आप फॉलो कर सकते हो, चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइक हम लोग किस टाइप से काम कर सकते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया कार, सी आर कार, तो देन आपको यहाँ पे कार भी देखेगा यहाँ पे। ओके, लाइक अलग अलग शेप्स, अलग अलग पार्ट, आपको आइडिया मिलना चाहिए, ठीक है, किस टाइप से हाईलाइट्स देने हैं, ठीक है, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करना है, तो एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ इसी टाइप से मैं कुछ काम करवाने वाला हूँ, थोड़ा सा कार लाइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सेटअप भी होता है, लाइक इसके टाइम एक सेटअप देखो, यहाँ पे एक एल शेप का सेटअप बना, तो मैं एक काम करता हूँ, एक सेटअप बनाते हैं। तो चलते हैं लेफ्ट व्यू में, ठीक है, लेफ्ट एंड एफ और फ्रंट फ्रंट में चलते हैं यहाँ पे। सिंपल से एक शेप लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट अ रेक्टेंगल, ठीक है, ओके, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्प्लाइन, ठीक है, सेलेक्ट एंड डिलीट, ठीक है, प्रेस वन, वन प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एंड देन फ्लिट, ठीक है, कॉर्नर को थोड़ा सा राउंड किया जा सकता है यहाँ पे, मॉडिफाई में गया, देन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एक्सट्रूड, प्री फॉर परस्पेक्टिव एंड जेड, ओके, देन यहाँ पे एक्सट्रूड का थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाते हैं यहाँ पे। निचले वाले बिल्डिंग को मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरे पास जो शेप है शेप को मैं थोड़ा सा देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्री फॉर टॉप, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाते हैं यहाँ पे, लाइक परस्पेक्टिव पे गए, जी फॉर ग्रिड ऑफ कर दिया मैंने, अमाउंट मैंने अपने नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर दिया, लाइक मेरे पास कैमरा एंगल कितना है, कैमरा एंगल के अकॉर्डिंग चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, देन कोशिश करेंगे हम लोग इनका कलर थोड़ा सा ग्रे दे सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड पे चलते हैं यहाँ पे, लाइक बाई डिफॉल्ट स्टैंडर्ड, ओके। अब सेटअप, लाइक बेसिक सेटअप मेरे पास यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, मैं कैमरा अगर अरेंज करना चाहता हूँ, मैं ऐसा कुछ कैमरा दिखाना चाहता हूँ, तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, सपोज ऐसा कुछ दिखाने वाला हूँ, तो ठीक है, कंट्रोल सी फॉर कैमरा, ठीक है, मैं प्लेसमेंट ठीक करता हूँ यहाँ पे, लाइक टॉप, एफ फॉर फ्रंट एंड एल फॉर लेफ्ट, ठीक है, जी मैं सेप इस शेप को मैं समझता हूँ, देन रोटेट करते हैं यहाँ पे, रोटेशन देन 90, ठीक है, और मैंने यहाँ पे चीज़ को थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है, कैमरा वाइज मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे, स्प्लाइन है वर्टेक्स को सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, देन चीज़ों को, ओके, फ्रंट में जाकर हम लोग इस चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ, सेटअप मुझे अच्छा सा बना देना, चीज़ें ऑड ना देखें यहाँ पर, ठीक है, डिस्टेंस वाइज मैं चाहूँ तो इन चीज़ों को मैं डिस्टेंस पर भी कवर कर सकता हूँ यहाँ पर, लाइक मैंने यहाँ पर चीज़ों को फुलफिल किया ऐसे करके, लाइक और एक्सट्रूड, एक्सट्रूड का अमाउंट मैंने यहाँ पर चीज़ों को फुलफिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एक बेसिक सेटअप बनाने का एक आइडिया होना चाहिए, मैं बेसिक सेटअप कैसे बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, चीज़ों को कैसे फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे, लाइक अभी स्टार्ट करते हैं लाइटिंग, ठीक है, बेसिक सेटअप बना दिया मैंने, चलते हैं यहाँ पे फोटोमेट्रिक, फोटोमेट्रिक में चलते हैं यहाँ पे, लाइट है, ठीक है, टारगेट स्पॉट, फ्री लाइट एंड एम आई स्काई पोर्टल, मैं यूज़ करूँगा एम आई स्काई पोर्टल, लाइक क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है, और मैं अप करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं लाइट सेटअप है, लाइट सेटअप को देखता हूँ, लाइट सेटअप मैंने यहाँ पर यूज़ किया यहाँ पे, गो टू मॉडिफाई, जस्ट क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे कि बाई डिफॉल्ट लाइट लगाने में कुछ इम्पैक्ट आता है या नहीं आता, ठीक है, जस्ट क्लिक एंड रेंडर, कुछ भी नहीं आ रहा है, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि इसके अंदर सेटिंग करना होता है, लाइक दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कस्टम होता है, जब तक कस्टम नहीं करेंगे तब तक लाइट का इम्पैक्ट नहीं आएगा, जैसे एज योर रिक्वेस्ट कि हाँ मैं तो हाईलाइट्स चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे हाईलाइट्स को देख फोकस कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, लाइक अरेंज करके कि हाईलाइट्स हमारे पास यहाँ पे चाहिए, देखना स्टार्ट हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ट्विक करना पड़ेगा, लाइक थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है, पहले देखते हैं कि बेसिक्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे, ओके, बेसिक इम्पैक्ट दिखता है, राइट क्लिक, असाइन रेंडर, मेंटल ले के अंदर कोई भी हम लोग ऑप्शन यूज़ नहीं करें, बाय डिफॉल्ट चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा बेसिक लाइट इम्पैक्ट, यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइट है, लाइट का मैं इंटेंसिटी भी मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, अब सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, आर फोर स्केल, ठीक है, मैं तो ऐसे कुछ डील करने वाला हूँ, ठीक है, देन शिफ्ट एंड क्यू, रेंडर करते हैं हम लोग यहाँ पे, अब देखो आपके इधर थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखने लगा है यहाँ पे,
आपको सेटअप समझ आना चाहिए, आपको सेटअप बनाना है कैसे। अगर आपको सेटअप पता है तो देन चीज़ों को आप आराम से फुलफिल कर सकते हो, कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो जस्ट हम लोग क्विक रेंडर निकालेंगे, क्विक रेंडर लाइक यहाँ पे जो क्वालिटी है, क्वालिटी को मैं थोड़ा सा लो क्वालिटी करता हूँ, जैसे लाइक यहाँ पे लो पे चलते हैं, यहाँ पे लो एंड ड्राफ्ट, बाद में इनकी क्वालिटी बढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी ड्राफ्ट पे रहने देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एक जल्दी रेंडर निकले, एक लाइटिंग आर्टिस्ट की सबसे बड़ी पहचान होती है कम टाइम में और जल्दी आउटपुट निकाले। जरूरी नहीं कि वो बैठा एक बार लाइट की सेटिंग पूरा इंक्रीज करता है देन वो लगा बढ़ा। देखो अब पहले बार में डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ी सी खराब आएगी लेकिन जल्दी रेंडर निकलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे लाइट सेटअप करना है, तो लाइट सेटअप पहले करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, लाइक लाइट सेटअप का प्रोसेस क्या है, जैसे मैं यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे लाइट का मल्टीप्लायर है। ठीक है, एक लाइट मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, एम आई स्काई पोर्टल सपोज, मैंने एक सामने से फोकस करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे चीज़ को मैनेज करते हैं यहाँ पे, देन क्लिक एंड रेंडर करके देखो यहाँ पे। ओके, कुछ इस टाइप से चीज़ को मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे। एक इधर का सेटअप हो गया, एक आपका साइड से सेटअप हो जाएगा। लाइक लाइट का एक प्रोसेस हम लोग समझ लें कि लाइट लगाना कहाँ कहाँ से है। ठीक है, लाइक एम आई स्काई पोर्टल। ठीक है, मॉडिफायर। ठीक है, यहाँ पे फ्लेक्स कर दें, यहाँ पे उल्टा कर दे, लाइक यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो देन हर एक एक रोल होगा। अब लाइट की इंटेंसिटी को मुझे कैसे मैनेज करना है, एक प्रॉपर चीज़ को मैं मैनेज कैसे करने वाला हूँ, मुझे लाइट को अगर मैनेज करना तो मैं क्वालिटी वाइज कैसे चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लाइक मेरे पास यहाँ पे पोजिशन आ गया यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे लाइट सेटअप को सेलेक्ट कर दिया, ऊपर मेन लाइट को, टॉप लाइट को मैं यहाँ पे रखता हूँ रूफ पे। ठीक है, लाइक मुझे रूफ पे इम्पैक्ट चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्केल कर दिया, यहाँ पे रूफ पे ही इम्पैक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मैं कुछ मैनेज करता हूँ, मैं इनकी इंटेंसिटी वाइज भी मैं काम कर सकता हूँ। लाइक सपोज मैं चाहता हूँ यार नीचे का जो बेस है उसमें कुछ अलग कलर दूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, नीचे जो हम लोगों ने चीज़ को यूज़ किया, ठीक है, मटेरियल हम लोगों ने लगा रखा है, एम्प्रेस कर दिया यहाँ पे टू साइडेड। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे इम्पैक्ट आता है नहीं आता। शिफ्ट एंड क्यों। ठीक है, अगर पीछे से मैं कोई लेना नहीं, पीछे डार्क है तो हमारे पास पीछे फोकस नहीं जा रहा। हमारे पास जो कार है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, हमारा कार फोकस में होना चाहिए, चीज़ें हमें विजुअल होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लुक एंड फील हम अच्छा दिखा सकें। जैसे मैंने लो क्वालिटी पे निकाल रखा है, देखो बस कार फोकस में है यहाँ पे। ठीक है, इनके अंदर कुछ सेटिंग्स होते हैं, उन सेटिंग्स को मैं फुलफिल करूँगा। लाइक देखो यहाँ पे जैसे ना ग्लॉसी यहाँ पे लो कर दिया, लो लो। ठीक है, ड्राफ्ट में ना करके मैं लो पे चलता हूँ अभी। ठीक है, देन थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लाइक थोड़ा मैं लो क्वालिटी पे काम किया। ठीक है, देखो पहले जो पैचेस पैचेस से आ रहे थे वो शायद गायब हो रहे हैं क्या, देख रहे हैं यहाँ पे, तो कम हुए तो गायब हुए। ठीक है, क्योंकि हमें इनके क्वालिटी पे भी काम करना है। जैसे मैं यहाँ पे अब मैं मुझे कोई मटेरियल यूज़ करना है, इनकी मटेरियल में अलग अलग पार्ट है, उनको कैसे कैसे मैनेज करना है, तो थोड़ा सा हम लोग उस पर भी काम करेंगे। यहाँ पे नॉइज़ आ रहा है, देखो नॉइज़ दिख रहा है यहाँ पे, ये नॉइज़ है लाइट का। अभी नॉइज़ कैसे हम लोग मॉडिफाई करेंगे, लाइक देखो यहाँ पे लाइट लगा लिया मैंने, यहाँ पे दोनों लाइट हैं, लाइट को सेलेक्ट करो हर लाइट को। ठीक है, लाइट का एक ऑप्शन होता है यहाँ पे शैडो सैंपल्स। ठीक है, इसको आप बढ़ाओ तो ये आपका पार्ट मैनेज करते हैं। लाइक सपोज यहाँ पे मैंने कर दिया 32, वन बाय वन करके करना। ठीक है, ऐसा ना कि आपने एक बार सब में कर दिया, लाइक 32 करके देखो यहाँ पे, तो थोड़ा टाइम लेगा ये। लाइटिंग है, लाइटिंग के अंदर पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए। और चीज़ों को धीमे धीमे हम लोग चीज़ों को मैनेज करेंगे यहाँ पे। लाइक जब लगेगा फाइनल रेंडर है तो हम लोग फिर क्वालिटी बढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, देखेंगे पैचेस कहाँ पर आ रहे हैं, पैचेस को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे तो पैचेस को हम लोग थोड़ा सा देखो यहाँ पे इंप्रूव आया हुआ, यहाँ पे इंप्रूवमेंट है, तो देन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। पहले और अब में डिफरेंसेस आपको देखेंगे यहाँ पे। ओके, और अच्छी क्वालिटी में काम करें तो हम लोग और अच्छी चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, लाइक मुझे मटेरियल चेंज करना आना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रेस कर दिया एम। ठीक है, मैं पिकर से पिक करता हूँ, लाइक मेरे पास मटेरियल यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अगर मैं देखूँ
यहाँ पर आईडी में चेंज सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने आईडी, ओके टॉप लेवल सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है आईडी कौन से, 8 नंबर, 8 नंबर पे है, ठीक है मेटलिक पेंट है, मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, लाइक मुझे चाहिए यहाँ पे कार पेंट, ठीक है तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ सी आर कार, कार पेंट, कार पेंट आ गया मेरे पास यहाँ पे, देन मैं ट्राई कर सकता हूँ राइट क्लिक एंड टॉप लेवल, जो चीज़ जिसकी है आप वो असाइन करोगे आपको चीज़ें फुलफिल मिल जाएंगी, ठीक है किस हिसाब से आपको काम करना है, कारपेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्वालिटी भी बेटर दिखेगा, रिफ्लेक्शन भी बेटर रहेगा, काफ़ी चीज़ें लाइक इसके अंदर एड ऑन हो जाएंगे यहाँ पे। ओके इसमें इसके अंदर थोड़ा सा और चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ, मैंने एक काम किया एक लाइट की जस्ट मैंने कॉपी कर ली कॉपी, और मैं चाहता हूँ कार के नीचे हल्के से ब्लू लाइट दे दूँ यहाँ पे, ठीक है स्केल कर दिया मैंने लिटिल बिट स्केल, ठीक है और ठीक है जैसा ना कई लाइटों के नीचे लाइटें लगा रखी होती है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर की, मैंने यहाँ पे काम करता लाइक ब्लू लाइट, ठीक है ब्लू कर दो कोई भी एक्स वाई जो भी कलर आपको करना है यहाँ पे, ठीक है देन इन चीज़ों को देखना कि यार ये चीज़ जो लाइट है ना आर फोर स्केल बाहर ना निकले, देन सेटअप वाइज ठीक है चीज़ों को फुलफिल करने यहाँ पे, ओके जो नीचे जो डार्क वाला पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो डिफरेंट आपका कलर यहाँ पे विजुअल हो जाएगा, यहाँ पर चाहते इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा सकते हो, सपोज मैंने कर दिया 2 कर दिया यहाँ पे तो बेटर लगेगा यहाँ पे, मतलब आपको एक बार में देख के पता चल जाना चाहिए हाँ यार कुछ चेंजेस है तो मैं चेंजेस कर सकता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लुक में। ओके मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऊपर की लाइट थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो मैं टॉप पे गया टॉप की लाइट सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है टॉप की लाइट का मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दिया, मैंने कर दिया 2 सेफ 10, क्यों क्रॉस चेक करके आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, अच्छा मुझे यहाँ पे लाइट इंपैक्ट ज़्यादा देना तो मैं यहाँ पे ज़्यादा दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ओके मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करता हूँ, लाइक मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास बॉटम की जो लाइट है वो कैसी है और कितना इम्पैक्ट दे रहे हैं यहाँ पे, लाइट डिस्टर्ब हो जाते हैं मैंने यहाँ पे चीज़ों को ऑफ कर दिया यहाँ पे, देन अब इम्पैक्ट देखें यहाँ पे तो मेरे पास एक अलग इम्पैक्ट विजुअल हो गया यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट, हाँ मेरे पास लाइट का इम्पैक्ट कैसा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है एक नीचे का पार्ट भी आपको यहाँ पे दिखेगा और आप इसका अगर अपोजिट में कर दो तो उसका भी एक इम्पैक्ट आपको अलग से दिखना स्टार्ट होगा, रिम लाइट है रिम लाइट को हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं लाइक एक टाइप से कि हमें फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ लाइक यहाँ पे, ठीक है मैंने यहाँ पे क्या किया 64 कर दिया यहाँ पे, तो मैं रेंडर करके देखता हूँ यहाँ पे नॉइस को खत्म करना, नॉइस को कैसे खत्म कर सकते हो सिंपल सा पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा वन बाय वन करके इनके शेडो सैंपल्स को बढ़ाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो टाइम टेकन है लेकिन आपकी चीज़ें फुलफिल हो सकती है यहाँ पे, देखो नॉइज आपके पास धीमे धीमे यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए नजर आएगा यहाँ पे, ओके आप यहाँ पे चेक करो लाइक मैंने कर दिया 128, वन बाय वन करके ही चेंज करेंगे लाइक ऐसा नहीं जल्दीबाजी में हम लोग कोई भी चीज़ बहुत जल्दी चेंज करते हैं यहाँ पे, कि जितने सैंपल्स बढ़ाएंगे उतने सैंपल्स के अकॉर्डिंग आवाज काम और ज़्यादा रेंडर टाइम बढ़ जाएगा। ओके जस्ट हम लोग यहाँ पे जस्ट लो था मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया, ठीक है जस्ट इसकी क्वालिटी को तो डिफॉल्ट एंड डिफॉल्ट पर रहने देते हैं, ठीक है और मैं वन बाय वन करके मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है लाइक इसका लाइट का इम्पैक्ट साइड फ्रंट टॉप जो भी इस लाइट का इम्पैक्ट है किस टाइप की क्वालिटी वाइज मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ, इसको हम लोग ऐड ऑन करके देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक है फिर भी थोड़ी सी क्वालिटी वाइज आपके पास काम आ जाएगा आपके यहाँ पे, किसी भी कार को रिप्रेजेंट करते हो आपको अगर रेंडर करना है तो आपके पास एक ये भी ऑप्शन है, ठीक है इसके अंदर बहुत से ऑप्शन थे लाइक स्टूडियो लाइटिंग के अंदर, लाइक मेरे पास कार फोकस में करना था मैंने इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया, अगर मुझे कुछ और फोकस में करना है सपोज मुझे दिखाना है कि मेरे पास जो पीछे का पूरा बीजी है वो भी प्रॉपर दिखे तो मैं बीजी के लिए अलग लाइट सेटअप बनाऊंगा, बीजी पर लाइट का इम्पैक्ट मैं अलग दूंगा और कार की लाइटिंग का ये इफेक्ट मैं अलग देने वाला हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ काम आएगा, और सपोज मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कुछ लाइनें लाइनें दिखे, सपोज आप कोई ऐड देखते हो उस पर दिखते हैं कि व्हाइट सी लाइनें लाइनें कार चल रही हो तो ऊपर से व्हाइट सी लाइनें ऐड ऑन होती हैं तो मैं वो भी चीज़ ऐड ऑन कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ऑप्शंस बहुत हैं लेकिन आपको इस तरह एक बेसिक आइडिया मिलना चाहिए आपको किस टाइप से चीज़ को रिप्रेजेंट करना है। देखो यहाँ पे जो चीज़ें वो थोड़ा सा स्मूथ हो गया है यहाँ पे क्वालिटी वाइज मैं यहाँ पे कहूँ जैसे मुझे क्वालिटी मुझे बढ़ाना तो मैं चीज़ों को ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके गाइस एक बेसिक लाइट सेटअप था ठीक है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा चीज़ और ऐड ऑन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है चलते हैं प्रोस्पेक्टिव में, ठीक है
उस एक्टिव में चलते हैं, देन हम लोग देखते हैं यार कुछ लाइट के अंदर कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देन डू वन थिंग, लाइट सेलेक्ट कर दिया मैंने, ओके। जैसे यहाँ पे सेप से यहाँ पे ज्योमेट्री में चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक एम्प्रेस कर दिया यहाँ पे, ओके। बाहर निकलते हैं, बस आईडी में क्या क्या है, ठीक है। लाइक सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ अलग कलर है, ठीक है। तो मैंने एक काम किया यहाँ पे, आर्क इंडिया, यहाँ पे एक होता है आर्किटेक्चरल मटेरियल, ठीक है। इसे मैंने असाइन कर दिया, सपोज मैं कलर करना चाहता हूँ लाइक वाइट एंड ब्लू, सिंपल सा हल्का सा ब्लूइश इम्पैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे होता है लुमिनेंस, ठीक है। लुमिनेंस इम्पैक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी आप कलर देना चाहते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, एक्स, वाई, जेड, जो भी, ठीक है, उसका एक इम्पैक्ट आपके यहाँ पे दिखना विजुअल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकते हो, ओके। इंक्रीज करो, एक इसके अंदर बेनिफिट और लॉस मैं बताता हूँ। लाइक एक लिमिट के बाद ये वाइट हो जाएगा और आप इसको कंट्रोल कर सकते हो लाइट का इम्पैक्ट, ठीक है। देन आप चीज़ को मैनेज करके देखो यहाँ पे, ओके। अनाइड ऑल, जैसे एक बेसिक डेमो में देता हूँ, सब पे नहीं कर रहा मैं, लाइक सिंपल सा पार्ट विद द हेल्प ऑफ कैमरा, ठीक है। जस्ट क्लिक करते हैं, रेंडर करते हैं। आई वॉन्ट कि सिर्फ इतना रेंडर चाहिए मुझे, ठीक है। तो देन मैं इतने पे दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, लाइक जितना आपको पार्ट विजुअल है उतने पार्ट पे आप यहाँ पे ग्लो दिखा सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे काम किया कलर में, तो थोड़ा सा चेंज करता हूँ यहाँ पे, ओके। और लाइक लाइट आपके यहाँ पे विजुअल होगा, इंटेंसिटी आपका, ल्यूमिनेंस आप इंक्रीज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो सब मैं ऐड ऑन करके देखते हैं एक बार, ठीक है। लाइक मैं चाहता हूँ मैं जल्दी रेंडर हो, इतने पे रेंडर हो, मैं चलता हूँ रीजन रेंडर, ठीक है। रीजन रेंडर को उठाते हैं यहाँ पे, इसी का रेंडर होगा, और देन क्लिक एंड रेंडर। ठीक है, हल्का सा ग्लो आपका आना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये आपको भी डिपेंड करता है आप कितना लुमिनेंस चाहते हो, ठीक है। लाइक आपने इतना ऐड ऑन कर दिया तो आपके यहाँ पास लुमिनेंस का इम्पैक्ट वहाँ पे दिख जाएगा। ओके, ऐसे करके हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, बाकी सब भी मैं ऐड ऑन कर दूँ, जो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ग्लो वाइज थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा है, ओके। ओके, मैंने सब में मटेरियल असाइन कर दिया, तो हल्का सा ग्लो देना चाहता था, तो मैं उन्हें ग्लो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिजन रेंडर को छोड़ के व्यू पे रेंडर निकालता हूँ, जी आपके पास यहाँ पे विजुअल होंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दूँ, मेरे पास क्वालिटी है, लाइक मेरे पास फाइनल करता है कि क्वालिटी मैंने मीडियम पे कर दिया यहाँ पे, डिफॉल्ट है थोड़ा सा हाई, ओके। बेसिक सेटअप थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ यहाँ पे, और डिटेल में जाते हैं मीडियम, मीडियम एंड मीडियम, तो उसी क्वालिटी रेंडर आपको यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कि किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकते हो, कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ मटेरियल्स हैं, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, जैसे कुछ कुछ मटेरियल्स आपके पास हैं यहाँ पे, जैसे आर्क एंड डिजाइन में यूज़ किया हुआ है, लाइक क्रोम हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्रोम है आप यहाँ पे, सिंपल क्रोम ले लो, कॉपर एंड क्रोम, क्रोम, तो ये आपके पास चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी यहाँ पे। आपको किस टाइप की चीज़ें मैनेज करना है, तो देन मटेरियल्स आपके पास नॉर्मली है, इनको थोड़ा सा यूज़ करो और देन रेंडर करो आप यहाँ पे। तो एक बेसिक आउटपुट आपके सामने आ जाएगा, एक कार को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेसिक लाइटिंग के साथ।